Hey, what's up guys? Welcome to Dulux. और भाई दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से रगड़े और उनके अंदर से स्मोक यानी कि धुआं निकले गाइस, सिर्फ रगड़ने से गाइस आज पॉसिबल होने वाला है गाइस। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसी माचिस की गाइस, जो माचिस होती है उसके अंदर से अगर तीलियां खत्म हो जाती ना तो आप उसे फेंक दे दो गाइस, उसे न फेंक कर आपको उसका ये वाला हिस्सा निकाल लेना है गाइस। हमने जो है पहले से ही इसको निकाल कर रखा हुआ है, ये रहा। और अभी हमें क्या करना है कि इस पर जो ऊपर वाली लेयर है इसे अलग कर लेना है गाइस, इससे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो पीछे का हिस्सा है इसे अलग हटा देना है, और ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया है जिसके ऊपर माचिस की तीली को रगड़ने से आग लगती थी। अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर इसे इस तरीके से रख देंगे, और रखने के बाद जो है इसमें लगाएंगे गाइस आग। गाइस आप देख सकते हैं यहां पर इसके जलने के बाद जो है कुछ लिक्विड सा यहां पर निकल आया है। इस लिक्विड को आपको अपनी उंगलियों पर लगा लेना है गाइस इस तरीके से, और आपको अपनी उंगलियों को इस तरीके से रगड़ना है। गाइस उंगलियों से धुआं निकालने वाली ट्रिक आपको कैसी लगी गाइस, एकदम ऑसम ट्रिक है। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ना उसके अंदर जो है हम उंगलियों से स्मोक तो निकाल रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, किसी किसी जगह पर तो दिख गया है लेकिन काफी जगह पर दिख नहीं रहा है। हम जो है उंगलियों को रगड़ रहे हैं, हमें धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरे के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। इसका कारण है ऑटो फोकस गाइस, जो कैमरा है उसके पास हम उंगलियों को जैसे ही लाते हैं वो जो है अपने फोकस को एडजस्ट करता है, और गाइस हम जैसे ही उंगलियों को रगड़ते हैं वो उंगलियों को तो दिखा देता है लेकिन स्मोक को नहीं दिखा पाता है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो फोन के अंदर जो है स्मोक कम दिखाई देगा। बाकी आप जो है रियलिटी में यूज कर सकते हो कि आप उस इस तरीके से रगड़ना और उसके बाद उन्हें इस तरीके से करना, और आपकी उंगलियों से सच में धुआं निकलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, हम फेक वीडियोस नहीं बनाते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गई तो भाई लाइक मार दो, और सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी को भी दबा लेना। बाकी हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।